साक्षी जैन और आप देख रहे हैं खबर हंग्री। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट बालक छात्रावास घटिया ने 12वीं के छात्रों को दी विदाई। और संत शिरोमणि रविदास जयंती नगर में धूमधाम के साथ मनाई गई। और अब खबरें विस्तार से। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते कर गया। यहाँ मालवा एक्सप्रेस पकड़ने के लिए एक युवक ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर युवक अपनी बुजुर्ग मां को पीठ पर बिठाकर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान मां बेटे दोनों ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए। अच्छी बात यह रही कि युवक की इस कोशिश के दौरान ही ड्यूटी पर तैनात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल राम प्रकाश शर्मा ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और वो मदद के लिए दौड़ पड़े। राम प्रकाश शर्मा ने अपनी तत्परता और सूझबूझ से दोनों को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। इस दौरान कुछ लोगों ने भी उनकी मदद की। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटिया तहसील मुख्यालय पर शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट बालक छात्रावास घटिया ने वर्ष 2020 में अध्ययनरत 12वीं कक्षा के छात्रों को कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों ने 2020 की वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित करने की शुभकामनाओं के साथ भावभीनी विदाई दी। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष विजय सिंह गौतम रहे। उनके द्वारा हॉस्टल के समस्त बच्चों को उनकी ओर से होटल में बच्चों की पसंद के भोजन की व्यवस्था कराई गई और कार्यक्रम के बाद 12वीं के छात्रों को उनकी ओर से गिफ्ट दिए गए। इसमें विशेष अतिथि के रूप में पूर्व हॉस्टल अधीक्षक प्रकाश चंद्र बाली व दरिया सिंह गहलोत व विशिष्ट अतिथि के रूप में संवाददाता ताहिर मंसूरी रहे। इस अवसर पर अभिषेक राठौर, राज रोहित सोलंकी, राजा बंजारा, कौशल गरासिया, राहुल मंडलोई, श्याम बाघेला, अनूप परमार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन छात्र अध्यक्ष विकास गोयल द्वारा किया गया। व्यवहार छात्रावास अधीक्षक प्रेम सिंह बैरावत ने माना। मेरे विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए। मैंने आज बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक ऐसा रचनात्मक प्रयास किया कि हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े। आज 12वीं के छात्रों का इस हॉस्टल से विदाई समारोह था। उस विदाई समारोह में हम सब लोग उपस्थित हुए और हम लोगों ने प्रयास किया कि उन बच्चों को एक ऐसा संदेश दूं, एक ऐसी प्रेरणा दूं, एक ऐसा इंस्पायर्ड करूं, मोटिवेट करूं कि बच्चे आगे जाके हम सब लोगों का नाम गौरवान्वित करें। आज मैंने इस अवसर पर आकर अपनी तरफ से यहाँ पर बच्चों को जो मेरे से बन सका गिफ्ट दिया, मेरे तरफ से पूरे हॉस्टल के बच्चों का भोज दिया कि ये बच्चे जाकर आज मेरे तरफ से भोज करें। साथ ही साथ यह सहभोज हम सब लोग शामिल होकर साथ में करेंगे और मैं बच्चों को ये आशीर्वाद देता हूँ, ये शुभकामना देता हूँ कि वो आगे जाकर पूरी विधानसभा नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरा संभाग नहीं, पूरे राज्य और पूरे प्रदेश और पूरे मेरे भारत का नाम रोशन करें, गौरवान्वित करें। इन्हीं आशाओं के साथ आज इनको विदा करता हूं। इनकी विदाई करते हुए मुझे दुख भी है और मुझे खुशी भी इस बात की है कि इनको प्रमोशन मिल रहा है, इनको निश्चित रूप से आगे जाके पदोन्नति मिलना चाहिए। ये बच्चे हम सब लोगों का नाम गौरवान्वित करें, यही मेरी शुभकामना। संत शिरोमणि रविदास जयंती नगर में धूमधाम के साथ मनाई गई। रविदास जयंती के अवसर पर रेलवे स्टेशन मेन रोड से होते हुए हाई स्कूल तक जुलूस निकाला, जिसका जगह जगह पर मंच लगाकर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। गांधी चौक पर कमल पहलवान मित्र मंडल द्वारा साफा बांधकर स्वागत किया गया। जुलूस का समापन हाई स्कूल चंद्रावती गंज के पास हुआ। जुलूस में अध्यक्ष नरसिंह परमार, उपाध्यक्ष विक्रम परमार, सचिव ओम प्रकाश जाटी, दिनेश राजोरिया, बने सिंह परमार, अनिल परमार, दशरथ सिंह के साथ ही समाज के लोगों के साथ ही महिलाएं भी जुलूस में सम्मिलित हुई। भाई साहब, हमारे यहाँ कार्यक्रम था, संत शिरोमणि रविदास मनाया गया है और सारे गांव के हम इकट्ठे थे। हमारे जो समाज के महिला पुरुष मिल करके कम से कम हम 1800 आदमी थे
और चल समारोह चंद्रावतीगंज में निकाला, उसमें पूरे गांव ने सहयोग दिया, वो हर जगह हमारा स्वागत भी हुआ है और शांतिपूर्वक जो है हमारा कार्यक्रम विसर्जन। पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ भी दिया है और बुढ़ानिया, मुंडला, बरोदा, चंद्रावतीगंज, पोर्टलोत 5-6 गांव के लोग, हम ये लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर हंग्री के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।